हाय दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए जो लेके आई हूँ वो है एक रीडिंग। ठीक है, रीडिंग मैं निकालना चाहती थी इस बारे में, क्योंकि अब इन दिनों जो भी रीडिंग्स या सेशंस मेरे पास आ रहे हैं, बीच में इतना हाई लेवल का जो है इतना बैलेंस था, लेकिन अभी पता नहीं क्यों और कैसे जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं वो अधिकतर उनमें से, अगर मैं कहती हूँ कि 10 लोगों में से 7 लोग यही शिकायत लेके आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको बहुत बुरी तरह से या तो घर में ट्रीटमेंट मिल रहा है या तो उनके पर्सन से ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक रीज़न जानना चाहती थी इस रीडिंग के द्वारा कि अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कलेक्टिव में चीज़ हो रही है जो कि आपको इम्बैलेंस कर रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। तो यहाँ पे रीडिंग के द्वारा मैं यही जांचना चाहती थी कि ऐसा क्यों है आपके साथ। तो यहाँ पे जो है अब जो निकल के आएंगे कार्ड्स, उनके थ्रू मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि आपको क्या चीज़ अपने अंदर हील करनी चाहिए जिसकी वजह से आपके साथ इस टाइप की चीज़ें या इस टाइप का व्यवहार हो रहा है, कॉन्स्टेंटली हो रहा है, या तो या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे ही आप बैलेंस स्टेट में आते हैं तो कोई ना कोई आता है और आपका बैलेंस हिला के चला जाता है। तो यहाँ पे ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, ख़ास तौर से ये जो इन दिनों जो शिफ्ट आया है उसके बाद में ये चीज़ और ये शिकायत ज़्यादा सुनने को मिल रही है मुझे। तो चलिए रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बात, अगर आप चाहते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर या किसी भी इशू के ऊपर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, मैं करती हूँ आपकी ट्विन फ्लेम सोलमेट एंड कार्मिक रीडिंग, तो आप मुझसे एक रीडिंग बुक कर सकते हैं मेरे साथ और अपनी चीज़ों के ऊपर, अपनी जर्नी के ऊपर या अपने इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी पा सकते हैं। साथ ही साथ मैं करती हूँ आपका ट्विन फ्लेम्स कंफर्मेशन भी, जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ और फुल एनर्जी चेक देती हूँ आपको, जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आप जर्नी के किस स्टेज पर हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ इस रीडिंग के थ्रू, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि भयंकर वाली सेल्फ लव की कमी, दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल आर ट्रीटिंग यू लाइक दिस। जो एक दो और तीन कार्ड निकल के आए हैं वो पूरी तरह से ये बोलते हैं कि आप वापस से कहीं ना कहीं पीपल प्लीजिंग में जा रहे हो। हो सकता है आपके साथ कुछ नाइस बिहेवियर करके, कुछ चीज़ें ऐसी करके आपको अब वापस कंट्रोल में लाने की कोशिश हो रही हो आपके कार्मिक्स के थ्रू, या आपके जो है अदर फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, या फिर आपके ही अपने पर्सन के थ्रू। क्योंकि देखिए, आपको वो स्टेज वो देख चुके हैं जहाँ पे अब आप किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं किए जा सकते हो। तो यहाँ पे किसी ना किसी तरह से मैनिपुलेट करके और बिकॉज क्योंकि आप इम्पैथ हैं, कहीं ना कहीं अगर आप ये शिकायत कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है जो कि आपका एक साइकिल आपको फिर से समझ आ रहा है, तो यहाँ पे ये समझ चाहिए कि ये आप ही ने अलाउ किया है। यहाँ पे आप पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं क्लियरली, कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर आप स्टक हैं, यानी कि आपकी ना ऐसी नेचर हो सकती है कि आप जब आप सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आप अपने लिए जब भी कुछ करते हैं तो आप एक तरह के गिल्ट में, आप एक तरह की शेम फील करते हैं अपने लिए कि अरे मैं अपने लिए कैसे कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने लिए कैसे कुछ खरीद सकती हूँ, मैं अपने लिए कैसे ले सकती हूँ कुछ भी, या अपने लिए कुछ अच्छा कैसे सोच सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए, जैसे मैं आपको बता दूँ कि आप सबके ऊपर स्पेंड कर रहे हो मान लीजिए, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन अगर आपको बहुत ज़रूरी कोई चीज़ करनी है, मान लीजिए लेट इट कि कोई कोर्स ही करना है आपको जो कि आपके करियर में आपको आगे बूस्ट दे सकता है, आपकी लाइफ में सुधार ला सकता है, यानी कि आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि ये चीज़ से आपको फ़ायदा होने वाला है, लेकिन वहाँ पे आप अगर कन्फ्यूज़न में जा रहे हो तो समझ जाइए कि आप में सेल्फ लव की कमी है। यहाँ पे मैं बाज़ारों में जाके शॉपिंग करने वाले खर्चे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जो चीज़ आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करेगी, आपको आगे बढ़ाएगी, आपको जो है आपके करियर को आगे बढ़ा सकती है। अगर वहाँ कहीं आप सोचने बैठ जाते हैं और बाकी सबका आप कर रहे हैं, ठीक है, खुशी खुशी कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये रिश्ते हैं जो कि आपको संभाल के रखने हैं, आपको निभाने हैं, क्योंकि अभी आप
बिल्कुल कार्मिक एनर्जीज के कार्मिक्स की एनर्जी में भी बहुत बड़ा डिफरेंस देखोगे कि वो आपको बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, आपके साथ रिस्पेक्टफुली पेश आ रहे हैं, या आपको जो है ये इट कुड बी अ पार्ट, मैं सारों के लिए नहीं बोल सकती, बहुत सारे लोग को तो बैलेंस है, तो अच्छी स्टेट में है और यूनियन अपकमिंग है उनका, तो उनके तो सच में ही कार्मिक रिलीज हो रहे हैं, उसकी वजह से उनके सच में ही सिचुएशंस सुधर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कहीं ना कहीं ड्रेन फील करते हैं, स्टक फील करते हैं, इंसल्टेड फील करते हैं बाद में जाके, जैसे सबके लिए सब कुछ किया लेकिन बाद में जाके आपको ये सुनने को मिलेगा कि क्यों किया, या किसको ज़रूरत है यहाँ, या आपको सुनने को मिल सकता है कि जैसे मान लीजिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, लेकिन एक आधी चीज़ ऐसी हो गई, एक या दो चीज़ ऐसी हो गई जो आप शायद करने के लिए सक्षम नहीं है, अगर आप वहाँ नो बोल देंगे तो वो एक मिनट में आपके पिछले सब किए धरे पर पानी फेर के आपको बोल देंगे कि यू आर द सेल्फिश वन, ठीक है, तुम तो बहुत सेल्फिश हो, तुम तो किसी के लिए कुछ नहीं करती हो, वो सब जो आपने पीछे किया उस पर पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप की कार्मिक आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो इस तरह की चीज़ें आपके साथ करते हैं, उसको आपको समझना है, उसमें से निकलना है, आपका जो अपना गिल्ट है उसमें से आपको निकलना है, आप अपने लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो वहाँ कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कार्ड्स हैं जो बताते हैं कि सेल्फ लव में की जो पीपल प्लीजिंग से निकल के आपको एम्प्रेस की उसमें एनर्जी में आना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ जो है क्लियर यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ गलत चीज़ें हों, या लोग आपको बैडली ट्रीट करें, या आप जो स्टक ट्रेन फील करते हैं, आपको लगता होगा समटाइम्स कि आप तो अच्छा कर रहे हैं फिर आप बुरा क्यों फील कर रहे हैं, उसका रीज़न ये होता है कि आप डिज़र्विंग के लिए नहीं कर रहे हैं, आप पीपल प्लीजिंग के लिए कर रहे हैं, और जब आप पीपल प्लीजिंग के लिए करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो आप कैच कर ही रहे होते हैं, इस वजह से आपको उस टाइम पर अच्छा फील नहीं हो रहा होता है सब कुछ करते हुए भी, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं यूनिवर्स से मांगना चाहती थी कि यहाँ पे आपको क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं, तो यूनिवर्स जो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है द डेविल का कार्ड आया है, एंड द सेकंड है द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये कोई भी जो पर्सन है जिसके लिए आप अच्छा, ये अब जो मुझे समझ आ रहा है, ऐसा समझ आ रहा है कि एक या कुछ एक दो या ऐसे कुछ कार्मिक हो सकते हैं आपके, और आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि दोनों ही मेजर अरकाना के कारण है, तो आपको यूनिवर्स क्लियरली ये बता रहे हैं कि आपको पहचानना होगा कि हु डिज़र्व योर काइंडनेस, आपकी काइंडनेस डिज़र्व कौन करता है, ये जो पर्सन है जिनके लिए आप कर रहे हैं। यहाँ बहुत क्लियर गाइडेंस निकल के आई है, पहले तो मैं फिर भी यहाँ पे कलेक्टिव का देख रही थी कि इतने लोग शिकायत लेके आ रहे हैं तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो क्लियरली सेल्फ लव की कमी एंड आपका पीपल प्लीजिंग का नेचर अभी भी छूटा नहीं है, ये रीज़न निकल के आया। बट नेक्स्ट जब मैंने मांगी है यूनिवर्स से गाइडेंस कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम पर, तो बहुत बहुत क्लियर यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये आप समझ लीजिए कि ये आपके पक्के वाले कार्मिक हैं, ठीक है, ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, जिस भी एनर्जी को आप इस टाइम पे सर्व कर रहे हैं, जिससे आप हर्ट हो रहे हैं वापस, याद रखिए वो आपका कार्मिक है, यूनिवर्स आपको खुद बता रहे हैं, और ये पर्सन के साथ ही आपके साथ फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ये आपके साइकिल हैं, ये आपको पहचानना है, वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, ये आपको पहचानना है, इस साइकिल को आपको एंड करना है, यहाँ पे आपको टोटली अपना सेल्फ लव में जाके कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में माय डियर फ्रेंड्स, और आपको नो बोलना आना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको वो नो बोलना सीखना होगा, और आपको ये समझना होगा कि ये जो एनर्जी जिसे आप सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके साथ आप एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्योरली कार्मिक एनर्जी है, ठीक है, ये जन्म जन्म का बदले हैं, ये ऐसे नहीं चुक सकते कि आप उनको कुछ मटीरियलिस्टिक हेल्प करके आप सोचें कि ये हैप्पी हो जाएंगे और इनके साथ मेरा सब कुछ अच्छा वाला हो जाएगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके इंटरनली सबकॉन्शियस में ये चीज़ें फिड हैं कि
कि उनको आपसे कोई ना कोई चीज़ के रिवेंज लेने हैं और इसी वजह से वो आपकी लाइफ में है। तो यहाँ पे ये बाहरी आप जो हेल्प करते हैं, बाहरी आप जो सपोर्ट करते हैं, बाहरी आप जो उनको करते हैं, यहाँ पे मैं ये तो मानती हूँ कि आपको खुद को अबंडेंस आएगी। आप एक देंगे तो आपको लाख मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको वो जो आत्मिक संतुष्टि है, वो जो आत्मिक प्रेम है, वो मिलने की संभावना कतई भी नहीं है। हालांकि यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आपके आप अच्छे इंटेंशन से हेल्प कर रहे हैं, आप अच्छे इंटेंशन से आगे बढ़ के उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ यूनिवर्स ये तो चीज़ करेंगे कि आपको एक का हज़ार मिलेगा। बहुत बहुत आपने एक किया तो आपको हज़ार गुना होकर मिलेगा, लेकिन जिसे कहते हैं ना एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन, वो आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि आप यूनिवर्स यहाँ आपको ये समझाने की कोशिश करें कि तुमको ये समझना होगा, हेल्पिंग नेचर बहुत अच्छी नेचर है, लेकिन तुमको ये समझना होगा वो डिजर्विंग कैंडिडेट। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जिस जगह पे आपकी हेल्प की ज़रूरत है आप वहाँ हेल्प करिए, जिस जगह पे आपके सर्व करने की ज़रूरत है आप वहाँ सर्व करिए। क्यों नहीं आप जाके ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं? जिस पर्सन को आपकी हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है, जिसको आपकी नीड ही नहीं है, उसको जाके आप क्यों प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं? ये रिश्ते जो होते हैं, जो कार्मिक आपकी लाइफ में आते हैं, कभी आपको पसंद नहीं करने वाले, ठीक है? ये सूद हो जाएंगे, ये काम हो जाएंगे, इनका गंद बोलना, गंद बकना या कुछ आपके खिलाफ करना, ये चीज़ों में आप डेफिनेटली कमी देखोगे। लेकिन वो जो इंटरनली उनका सबकॉन्शियस में फीड है कि आप भी उन्हीं के, आप ये मत सोचिए कि ये आपके लिए रॉन्ग एनर्जी है, आप भी उनके लिए रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है? आप भी उनके वाइब्रेशन नहीं है, तो उनको भी आप अच्छे नहीं लगते हैं, जचते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये आपको बहुत समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको टोटली सेल्फ लव में आना है, ठीक है? क्लियरली यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से अपने आप के साथ गलत होने से बच सकते हैं या पीछा छुड़ा सकते हैं कार्मिक एनर्जी से। कहीं ना कहीं अगर आप उनको सर्व करते रहते हैं बेमतलब का, तो भी वो आपसे चिपके ही रहते हैं, क्योंकि उनका मतलब से दोहरा है, ठीक है? और उसके बाद उनको ये भी पता है कि वो आसानी से आपको लात मार देंगे, उनको उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है आपके साथ, ये बात हमेशा याद रखिए। चलिए दोस्तों, तो आज से ही अपना सेल्फ लव का लेवल बढ़ाइए। आपको आपके प्रॉब्लम की जड़ समझ आ गई है, कहीं ना कहीं आप अपने पूर्व वाले नेचर में वापस जा रहे हैं, पहले जो नेचर आपकी हुआ करती थी। तो राइट डिसीजन लेना सीखिए, सही लोगों को पहचानना सीखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।